जय श्री राम गाइस, आज है मेरी चूड़ा बधाई। सबसे पहले मैं नहा धो के रेडी होके गई हलवा बनाने। आज मैंने बेसन का हलवा बनाया था क्योंकि आज मेरा शादी के बाद फर्स्ट टाइम, नहीं सेकंड टाइम ये चूड़ा बधने वाला था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था जो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से बधवाया था, क्योंकि वो बहुत हैवी चूड़ा था जब मेरी शादी हुई। तो सेकंड टाइम जब मैंने बधाया तो पंडित जी ने बोला कि अब आप हस्बैंड से बधवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बार ही रस्म होती है, ननद करे। वो मेरी पहले ही 1.25 महीने बाद हो चुकी थी, पहले वाला चूड़ा हैवी था इसीलिए। तब चूड़ा बधाया जतिन ने और इतना सुंदर केक बनवाया था, सेम मेरे बैंगल से मैच होता हुआ। मानसी और मैंने इकट्ठे चूड़ा बधाया था, इनमें 1.25 महीने में बता देते हैं। तो हम दोनों ने, मानसी का मैंने बधाया था और मेरा जतिन ने, चाय समोसे की पार्टी करी चूड़ा बधने के बाद। और फिर मैंने अपने कपड़े चेंज किए और फिर जतिन चल गए ऑफिस। चेंज करके मेरा एक ही काम था, पढ़ना। शाम में जब भी ऑफिस से आए तो सीधा किचन में, और आज बन रहा था साबूदाना, क्योंकि आज पापा का फास्ट था तो हमने सोचा हम भी खा लेते हैं, हमें साबूदाना अच्छा लगता है। डिनर करा और फिर ये देखो आज मेरा हाथ इतना फ्री है, बाय गॉड बहुत रिलैक्स मिल रहा है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।